फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा करेला। तो चलिए बताती हूँ भरवा करेला बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनाएंगे इसे। तो फ्रेंड्स, ये 500 ग्राम हमने करेला लिया हुआ है और इसे अच्छा तरीका से हमने धो लिया है, आप देख सकते हैं इसे। तो हमने इसे वॉश करके और रखा हुआ है। अब इसके छिलके को हम हटाएंगे। तो चलिए इसके छिलके हम हटा लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसके छिलके को ऊपरी जो सतह है उसे हम हटा लेंगे और जो सारे करेले को इसी तरीके से हटा लेंगे हम। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें छिलके अलग कर देने हैं और उसके बाद से छिलके को हम फेंकेंगे नहीं, इसे भी यूज में लेंगे। तो सारे छिलके हटा लिए हैं मैंने, आप देख सकते हैं सारे छिलके हट चुके हैं। तो इसे अब एक कट लगाएंगे बीच में इस तरीके से, दोनों साइडों से हम आधे आधे इंच छोड़ने के बाद बीच में कट लगाएंगे और उसके बाद से इसके बीज को हम बाहर कर लेंगे चाकू या स्पून के मदद से। इस तरीके से हाथ को बचाते हुए हमें इसके बीज को निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं इसके बीज दोनों साइडों से मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ। इस तरीके से हमें इसके बीज को निकाल लेना है। आप देख सकते हैं थोड़े से बीज और बचे हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से हम सारे बीज को निकाल लेंगे और ये देख सकते हैं बिल्कुल निकल चुका है सारे। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं छिलके जो हैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल के इस तरीके से मिक्स करके 15 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। और इधर मैं पतीली में पानी बॉयल कर रही हूँ, इसमें हम डालेंगे अपने करेले को और उसे बॉयल करेंगे। तो ये बॉयल किया हुआ करेला हम डालेंगे बनाएंगे। आप ऐसे कच्चे करेले को भी बना सकते हैं। तो इसे इधर बॉयल होने देती हूँ मैं, तब तक मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया है और इसमें मैं डालूँगी 4 टेबल स्पून सरसों ऑयल और इसे गर्म होने के बाद मैं 1 चुटकी हींग डालूँगी इसमें और 1/2 टेबल स्पून जीरा डालूँगी और इसे हम फ्राई होने देंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये हो चुका है फ्राई। तो यहाँ पे मैं प्याज डालूँगी, ये 4 प्याज हमने बारीक कटे हुए लिए हैं और इसे डाल करके हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे मैं फ्राई कर रही हूँ और ये जब तक गोल्डन ब्राउन होगा उसके बाद से इसमें हम डालेंगे अपने, आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसमें ये छिलके डाल देती हूँ और इसे हमने नमक के पानी से अच्छा से धो करके और पानी निचोड़ लिया है और उसके बाद से इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये भी फ्राई हो चुका है। तो चलिए इसमें ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और इसे भी 1/2 मिनट तक हम भून लेंगे। उसके बाद से इसमें 2 बड़े टमाटर मैं डाल दूँगी बारीक कटा हुआ और इसे भी सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटर को भी मैं पका रही हूँ। यहाँ पे यदि आपके पास कच्चा आम है तो उसे कद्दूकस करके एक आम डाल सकते हैं। जब तक टमाटर सॉफ्ट हो रहा है इधर हमारा करेला बॉयल हो चुका है। तो इसे एक टिनर में निकाल लेती हूँ और इस छलनी के अंदर मैं इसे रख दूँगी, पानी तब तक निकले। तब तक इधर मसाले को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो ये कुछ मसाले हैं, नमक, हल्दी, जीरा सौंफ और धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है और इस सारे 1/2 टेबल स्पून है, जीरा 1 टेबल स्पून है और मिर्च आप टेस्ट के हिसाब से डालें। और मसाले को मैं अब ढक के पकाऊंगी और बीच बीच में इसे चेक करती रहूंगी। तो आप देख सकते हैं ये मसाले बिल्कुल पक चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, भून चुका है मसाला बिल्कुल। तो अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये भून चुका है। तो मैं इसमें 1 नींबू ऐड करूँगी यहाँ पे और जो आप चाहे तो यहाँ पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या आम है आपके पास तो वो आपको बता ही चुकी हूँ पहले ही डालना है फ्राई करते टाइम। तो यहाँ पे मैं आमचूर पाउडर नहीं डालूँगी, मैं नींबू डालूँगी और 1 बड़े साइज का नींबू हमने लिया है, इसका जूस इसके अंदर निचोड़ देंगे। और मसाला पक चुका है तो अब हम गैस बंद करने वाले हैं, इसलिए उस गैस बंद करने से पहले मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ और आप देख सकते हैं इसमें नींबू का जूस हमने डाल दिया है।
अब इसे चला लेंगे और इसमें एक बीज निकल गया है, उसे निकाल देती हूँ मैं। और उसके बाद से इसे मिक्स कर देंगे जूस को। और अब गैस ऑफ कर दूंगी मैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो करेला हमारा है उसके पानी इस तरीके से हल्के हाथों से दबाते हुए निचोड़ लेंगे। और उसके बाद से अब इसमें अपने मसाले को भरेंगे। तो चलिए भर के बताती हूँ कैसे मसाले को भरना है। इस तरीके से इसमें जो बीज का जगह बचा है उसमें हम मसाले से भर देंगे। इस तरीके से जितना मसाला इसमें आए उतना ही भरना है, ज़्यादा नहीं भरना है। और एक चम्मच के मदद से हम इसे खाली जगह में इस तरीके से प्रेस करते हुए भरेंगे और फिर इसका मुंह बंद करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से दबाते हुए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मसाला निकल रहा है थोड़ा सा, उसे हम हटा देंगे। और फ्रेंड्स आप चाहें तो ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे धागे से बांध दे रही हूँ ताकि इसका मसाला बाहर ना निकले। कोई सा भी धागा आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने धागे से इसे बांध दिया है, तो ये मसाले बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से मैं सबको भर लूँगी। और आप देख सकते हैं सारे भर के तैयार कर लिया है मैंने, और एक धागे से अच्छा तरीक़ा से हमने बांध दिया है। अब गैस पे मैं एक पैन रखूँगी या एक कढ़ाई आप ले सकते हैं। इसमें मैं डालूँगी 4 टेबल स्पून सरसों ऑयल और इसे अच्छा से गर्म होने दूँगी। तो फ्रेंड्स ये गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर मैं करेले को डाल दूंगी इस तरीके से। तो एकदम केयरफुली डालें। इसमें थोड़ा सा पानी था इसलिए तेल उड़ने लग गया, तो आप ध्यान से डालें इसे। और इस तरीके से सारे करेले को हम डाल देंगे इसमें, और उसके बाद से हम इसे ढक के पकाएंगे। तो मैं कवर कर दी हूँ तो आप देख सकते हैं, और गैस को मैं बिल्कुल मीडियम कर दी हूँ। बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे, पलट देंगे। तो एक चाकू के मदद से मैं इसे पलट रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसे इसी तरीके से हमें पलट पलट के पकाना है और मीडियम गैस पे पकाना है। तो अब इसे हमने पलट लिया है, उसके बाद से अब मैं इसे फिर ढक दूँगी। और हर 1 से 1.5 मिनट बाद इसे मैं देखती रहूँगी ताकि ये जले ना। और इस तरीके से हम पलटते हुए इसे पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसे फिर हमने टर्न कर दिया है, फिर इसे ढक दूंगी मैं। आप देख रहे हैं इसी तरीके से ढकते हुए हमें इसे पकाना है पलट पलट करके। तो चलिए फिर एक बार चेक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये होने वाला है। तो ये दोनों साइडों से सिक चुका है। अब इधर किनारियों पे ये अच्छा से नहीं सीखा है, तो इधर अब इस तरीके से हम खड़ा कर देंगे ताकि इधर का साइड सीख जाए। आप देख सकते हैं ये वाला साइड, तो इस तरीके से हम इसे खड़ा करेंगे ताकि इधर का भी साइड सीख जाए अच्छा से। अब इसे हम ढकेंगे नहीं, ऐसे खोले में ही इसे पकाएंगे अब। और आप देख सकते हैं धागे से बांधने की वजह से बिल्कुल भी मसाला नहीं निकल रहा है। तो इस तरीके से हम पलटते पलटते इसे सेकना है चारों तरफ से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा तरीक़ा से सिक चुका है करेला। अब एक करेला बिल्कुल रेडी है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। गैस ऑफ कर देती हूँ मैं और इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। और इसे ठंडा होने के बाद इसके धागे हम बाहर करेंगे। फ्रेंड्स आप इसे बॉयल करके नहीं बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं, बिना बॉयल किए हुए भी इसमें मसाला डाल के और इसे बना सकते हैं। इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम धागे को इसमें से निकाल लेंगे आप देख सकते हैं, और फिर इसे सर्व करेंगे। तो सारे धागे को मैं इसी तरीके से निकाल लूँगी। तो धागे निकालने के बाद बचे हुए मसालों के साथ मैं अब इसे सर्व कर रही हूँ। और फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनता है एक करेला, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे रोटी परांठे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है और थोड़ा सा टाइम लगता है बट बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।